Hey guys, welcome to another video. स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और आज की वीडियो में एक बजट स्मार्ट वॉच में रिव्यू करने वाला हूं, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आती है, और ये रही है बोट की तरफ से वेव कॉल। तो चलिए जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी स्मार्ट वॉच है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं और किस प्राइस पॉइंट में आपको ये मिल जाती है। सो गाइस, ये रही है स्मार्ट वॉच जो कि है वेव कॉल, कॉलिंग फीचर के साथ आती है, और ये स्मार्ट वॉच सिर्फ 2000 रुपये में मिल जाती है। यही इसकी खासियत है कि 2000 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर कॉलिंग फीचर मिल रहा है। तो सबसे पहले इस फीचर की ही बात करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बात हो रही है कॉलिंग की, तो मैंने इसे कॉल कर देखी है। जो इसमें साइड में आपको यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है, स्पीकर अच्छा खासा लाउड है। मैं अभी आपको इसका सैंपल सुनाता हूँ कॉलिंग का, कि कॉलिंग की जो आवाज़ है वो कितनी क्लियर है और कितनी लाउड आपको मिल जाती है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कॉलिंग को लेकर काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको कॉलिंग का जो है पर सैंपल दिखाता हूं, और फिर बात करते हैं बाकी चीजों की। सो गाइस, मैंने यहां पर कॉल कनेक्ट कर ली है। अभी नंबर जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यहां पर हम बात करके देखते हैं। तो मैंने अभी कॉल करी है वॉइस से, आवाज आ रही है बिल्कुल सही? हेलो जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवाज़ की जो क्वालिटी है वो सही है, कॉलिंग क्वालिटी, और जो स्पीकर की लाउडनेस है, मैंने अभी इसके पास रखा हुआ है माइक, तो लाउडनेस भी कहीं सही है। कोई डिस्टर्बेंस है वॉइस के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। क्लैरिटी बिल्कुल सही आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपको कॉलिंग का जो ऑप्शन है वो सही मिल जाता है, आवाज़ वगैरह क्लियर से आती है। अब बात करते हैं इसके लुक्स की। तो यहाँ पर ये जो वॉच बनी हुई है, ये प्लास्टिक केस है और सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक मिल जाती है, लेकिन लुक्स जो हैं वो इतने कुछ खास नहीं है, एक सिंपल प्लेन लुक मिल जाता है। अब यहाँ पर 1.69 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, जो ऊपर डिस्प्ले और थोड़ी सी कर्व बनाई गई है, लेकिन वो सिर्फ जो इसकी एजेस हैं उनको कर्व किया गया है। यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड मिल जाती हैं। अगर ये बेजल्स थोड़ी सी कम होती है, स्क्रीन साइज आपको थोड़ा सा बड़ा मिल जाता, तो इसका लुक जो है और ज्यादा एनहेंस हो जाता। वैसे ये 3 अलग अलग कलर्स में आती है और लाइट वेट है, तो यहां पर लुक जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसमें आपको बाकी क्या सेंसर्स मिल जाते हैं, क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सेंसर्स की बात करें तो नॉर्मल जो स्मार्ट वॉच में सेंसर्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, SPO2 मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग वगैरह मिल जाती है। फिटनेस के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। एक सिंपल जो एवरेज स्पोर्ट्स मोड चाहिए होते हैं डेली लाइफ में, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी ऑप्शन इसमें आपको कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, सैनिटरी अलर्ट्स मिल जाते हैं, हाइड्रेशन अलर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे आपको रिमाइंड करता रहेगा कि पानी पीना है, या अगर आप बैठे हैं बहुत देर से तो आपको जो है एक्टिव रहने के लिए चलने का रिमाइंडर यहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इसका कैमरा कंट्रोल है उसमें मुझे एक कमी लगी है, जो कि ज्यादातर बोट की वॉचेस में मैंने देखी है, कि जो कैमरा आप यहां से कंट्रोल करते हैं वो आपको बेसिक मिलता है, यानी कैमरा कंसोल अपना नहीं चलता है, जो कि इस ऐप के अंदर ही कैमरा ओपन होता है। तो यानी जो कैमरे की आपके जो बेसिक फीचर्स और यूज करना चाहें, जैसे कि आपका पोर्ट्रेट मोड है, सिनेमैटिक और भी कोई फीचर्स हैं, वो नहीं यूज कर सकते हैं, बेसिक जस्ट फोटोज ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी मुझे लगी कि आप इसको जब वॉच को आपको पहना हुआ होगा और आपको यहाँ पर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको फोटोज लेना है तो आपको उसको शेक करना है, शेक वाला गेस्चर मिल जाता है और फोटोज क्लिक हो जाती हैं। और इसमें वैसे वाइब्रेशन भी आपको मिल जाती है, तो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं अगर ये साइलेंट है वॉच, तो आपको ईजिली पता चल जाता है। अब नोटिफिकेशंस की बात हो रही है, तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं हर ऐप के इसके अंदर, और चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या आपके जीमेल हो, या कॉल्स टेक्स्ट वगैरह सब मिल जाता है। डायरेक्टली यहाँ से आप कॉल डायल भी कर सकते हैं और 10 कॉन्टैक्ट्स आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्ट यहीं से कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके आप जो है कॉल कर पाएँ। लेकिन कॉन्टैक्ट्स में भी मुझे एक लिमिटेशन यहाँ पर मिली, कि इनकी ऐप के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कॉन्टैक्ट सर्च करने का। अब जैसे मेरे कई हज़ार कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स को फेवरेट में ऐड करना चाहता हूँ, तो सर्च का कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पूरी लिस्ट स्क्रॉल करनी पड़ेगी और उन कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस इस वॉच ने ऑटोमेटिकली जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सिंक नहीं करा, तो जो कॉल्स आ रही हैं उनका नाम नहीं आ रहा है, कॉलर आईडी नहीं आ रही है, सिर्फ नंबर आ रहा है। बाकी मैंने इसको अपग्रेड करने की कोशिश करी है, उसके बाद भी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप ये वॉच यूज़ कर रहे हैं और आपको कॉलर आईडी दिख रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्मार्ट वॉचेस के अंदर आप लोग पूछते हैं, वॉच फेसेस बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, प्लस आप उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अपना कोई वॉलपेपर, अपना फोटो लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये जो स्मार्ट वॉच है ये IP68 रेटिंग के साथ आती है, यानी डेली लाइफ में पानी गिरता है, हैंड वॉश करते हैं, या पानी में आप 1.5 मीटर तक डाल देते हैं, तब भी ये वॉच खराब नहीं होगी। सो ये जो वॉच है आपके वेकअप गेस्चर के साथ आती है, जैसे आप अपनी रिस्ट को जो घुमाएंगे यहाँ पर ये वॉच वेक हो जाएगी। अब इसकी यूजर इंटरफेस की बात करें, तो ये जो बटन है ये आपको
स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए भी काम करता है। और नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो दिख जाएंगी, आपके स्टेप काउंट वगैरह दिख जाएगा, हार्ट रेट दिख जाएगा, स्लीप आपकी यहाँ पर दिख जाएगी, जो आपका वेदर है वो आप देख सकते हैं। और ये आई है कॉलिंग फीचर, यहाँ से आपका ये डायल पैड ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से नंबर कोई भी डायल करना चाहें तो कॉल लगा सकते हैं। और ये बैक का भी काम करता है। बाकी यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स का जो ऑप्शन है तो ये दिखा रहा है कि हमें कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर सिंक करने पड़ेंगे, 10 कॉन्टैक्ट्स ही आप सिर्फ सिंक कर सकते हैं एक बारी के अंदर। और यहाँ पर ये आपकी कॉल लॉग्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब और स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपका म्यूज़िक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, प्लस इसके नीचे तो कुछ नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सेटिंग्स हैं बेसिक्स वो दिख जाएंगी और आपका जो कनेक्शन स्टेटस है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपको दिख जाती है। यहाँ से बैक जाते हैं और इधर से स्वाइप करेंगे तो आपके जो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं वो आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इधर से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सारी फीचर्स वगैरह हैं वो आपको दिख जाती है और कुछ सेटिंग्स वगैरह इसमें दिख जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो स्पोर्ट्स मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा स्पोर्ट्स मोड्स यहाँ आपको लिमिट मिलती है, थोड़े ही स्पोर्ट्स मोड्स हैं, स्विमिंग है, बैडमिंटन, ये सब जो बेसिक वॉक रन, बहुत ज़्यादा जैसे कि स्मार्ट वॉचेस में आ रहे हैं कि बहुत एडवांस स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए आपको जो है मिल जाता है। और अगर पीछे जाएं तो कैमरा कंट्रोल है, हार्ट रेट है, स्लीप मॉनिटरिंग का है, SPO2 है, स्टॉप वॉच, फाइंड फोन, स्क्रीन की अगर आप सेटिंग्स करना चाहेंगे कितनी देर में जो स्क्रीन है वो यहाँ पर बंद होगी वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसकी जो टच है उसका जो रिस्पॉन्स है कभी कभी थोड़ा सा यहाँ पर स्लो रहता है। ये बाकी वॉच फेसेस आपके जो इसके अंदर स्टोर्ड हैं वो आपको मिल जाते हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं आप ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वॉच आपको पसंद आई और आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए आता हूँ रोज ऐसी वीडियोज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट जो आपको पसंद है, आपके काम में है। दोस्तों, मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।